लेकिन सारे वाके से और अपना बदला ले लिया उसने कि जब कोई आम बंदा बिगड़ता है किसी भी हद तक जा सकता है। सही बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन। सो कौन है वो लोग जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं? हमने इसकी एक पहले वीडियो देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि कुछ बहुत ही खूंखार लोगों के बारे में बताया गया था, लेकिन अब कुछ नए लोगों के बारे में पता लगा है। सो देखते हैं क्या। और जब जब हम इन क्रिमिनल्स के बारे में जानते हैं ना, लिटरली बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि इनकी मेंटालिटी बहुत ही अलग होती है। हम लोगों ने एक पठान वाली वीडियो देख रखी थी जहाँ पे उन्होंने जिस हिसाब से बोल रहे थे मैं बाहर आऊंगा तो ठोक दूंगा ऐसे करके बोल रहे थे, तो मैं ऐसी थी कि भाई अब तो तुम लोगों को जेल हो गया, स्टिल वो गिल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी देखते हैं कि ये जो क्रिमिनल्स है ये कौन कौन से है और क्या हम लोगों ने इनको देख रखा है इससे पहले कि नहीं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, किस तरह लाहौर का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर लोगों से पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर देता था, और क्या हुआ जब एक शख्स ने छोटी सी लड़ाई होने पर एक खानदान के 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मिठाई बेचने वाला एक आम इंसान पंजाब का सबसे खतरनाक तरीन क्रिमिनल बन गया। वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। मक्खी बदमाश ने गुस्से में आकर इस जट ग्रुप के 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा ये ड्रग्स और असला स्मगलिंग का काम भी किया करता था। खतरनाक मक्खी करेंगे। इतना बड़ा मुजरिम था कि पंजाब पुलिस में इस शख्स पर 470 केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन इतने केसेस होने के बावजूद पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। कहा जाता है कि मक्खी अराई को कराची के फेमस डॉन उजैर बलोच की भी फुल सपोर्ट हासिल थी और इसने उजैर के कहने पर कई लोगों के गले भी काट दिए थे। खैर, जब ये क्रिमिनल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पंजाब पुलिस ने जरानवाला के अंदर एक ह्यूज ऑपरेशन किया ताकि मक्खी अराई को पकड़ा जा सके। पुलिस ने मक्खी अराई भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन इतना खतरनाक था कि इससे पहले किसी पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता, इसने पुलिस वैन के अंदर ही एक कांस्टेबल से गन छीन ली और गाड़ी में मौजूद 3 पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया। इससे पहले कि वहां से भाग पाता, लीड पुलिस ने इस पर ओपन फायरिंग कर दी और इसे गोलियों से छलनी करके इसका एनकाउंटर कर दिया। एनीवे, जो भी हो, ये पाकिस्तान के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स में से एक था। लेकिन क्या आपने कभी कोई पाकिस्तानी भोला किलर देखा है? वेल, भोला पाकिस्तान के सबसे खतरनाक टारगेट किलर्स में से एक था। ये शख्स पंजाब के इलाके खानेवाल में पैदा हुआ था, पर इसके पेरेंट्स लाहौर में आ गए थे और भोला लाहौर में ही बड़ा हुआ। ये बंदा शुरू से ही क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व था, लेकिन फिर इसने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक भोले की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये भारी अमाउंट लेकर किसी का भी कत्ल कर देता था। पैसे के लिए। हैरानगी होगी कि पुलिस रिकॉर्ड में इस शख्स पर 130 केसेस फाइल किए गए थे, जिसमें 40 से ज्यादा तो सिर्फ मर्डर केसेस थे। के बावजूद भी पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। आपको बताता चलूं कि इस क्रिमिनल ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मारा, बल्कि इसने बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पैसे लेकर लाहौर के 3 डीएसपी ऑफिसर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि पुलिस भोला को इसलिए अरेस्ट नहीं कर पाती थी कि इसे नवाज शरीफ की फुल सपोर्ट हासिल थी। इवन इसने लाहौर के एक डीपीओ को भी कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इसे नून लीग की तरफ से पनाह भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ऑपरेशन करके भोले का एनकाउंटर कर दिया था। बहरहाल, जो इस तरह के कातलों का अंजाम भयानक ही होता है। मोहम्मद नवाज सियालकोट की तहसील पसरूर में पैदा हुआ था, लेकिन फिर इसकी फैमिली लाहौर में शिफ्ट हो गई और बड़ी होकर इसने लाहौर में मिठाई की दुकान खोल ली और एक आम बंदे की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। नवाज का क्राइम की दुनिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर एक दिन इसकी मिठाई वाली दुकान पर 2 गुंडे आए और इन्होंने नवाज से मिठाई खरीदी, पर इनका बिहेवियर बहुत ही गलत था। नवाज ने जब इन लोगों को तमीज से बात करने के लिए कहा तो इन दोनों ने मिलकर सिर्फ इसकी दुकान खराब कर दी, बल्कि नवाज को बेदर्दी से मारना भी शुरू कर दिया। खैर, जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो पुलिस वालों ने फोर्सफुली इनकी सुलह करवा दी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि नवाज के छोटे भाई ने लाहौर में एक मकान खरीदा, लेकिन इस इलाके के इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती उस मकान पर कब्जा कर लिया। और जब इसके भाई ने अपना हक मांगा तो इंस्पेक्टर ताहिर रशीद ने नवाज के भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब नवाज के छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया तो इस हादसे के बाद नवाज की
जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। समझ आ गई थी कि दुनिया में शरीफ लोगों की कोई जगह नहीं है। खात्मा करेंगे। क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया। उस दिन से मोहम्मद नवाज नाजी भट्ट बन गया। सबसे पहले इसने अफजाल नाम के उस गुंडे को तलाश किया जिसने इसकी मिठाई की दुकान खराब की थी और इसे बेदर्दी से मारा था और अफजाल को भरी बाजार में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद नाजी भट्ट ने इंस्पेक्टर ताहिर और इसके साथियों का पता किया जिन्होंने इसके छोटे भाई को कत्ल किया था। एक दिन इंस्पेक्टर ताहिर अपने इन्हीं चारों सिपाहियों के साथ लाहौर की होटल में बैठकर चाय पी रहा था कि नाजी भट्ट वहां पर पहुंच गया और इसने इन सारे पुलिस वालों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। खैर ये हादसा इतना बड़ा था कि इसकी खबर पूरे लाहौर में फैल गई। 5 पुलिस वालों को सरेआम कत्ल करने वाले नाजी भट्ट को लाहौर की पूरी पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया और आखिरकार इसे ढूंढ कर इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया गया। लेकिन सारे वाकये से अपना बदला ले लिया उसने कि जब कोई आम बंदा बिगड़ता है किसी भी हद तक जा सकता है। सही बात है। अफजल बाजवा दोस्तों अफजल पंजाब के सबसे निडर और खतरनाक तरीन क्रिमिनल्स में से एक था। लेकिन इसकी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये एक आम सी फैमिली से ताल्लुक रखता था। जब अफजल की स्टडी कंप्लीट हुई तो इसके वालिद ने इसे वापडा में भर्ती करवा दिया। ये गवर्नमेंट का मुलाजिम था और इसका क्राइम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसके दो जिगरी दोस्तों को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। अफजल अपने इन दोस्तों से इतनी मोहब्बत करता था कि इसने इन कातिलों से बदला लेने के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी और इन सब पैसों से वेपन्स को बाय कर लिया। आप लीव नहीं करेंगे कि इसके अंदर इंतकाम की ऐसी आग जल रही थी कि जब इसे पता चल गया कि इसके दोस्तों को किस ग्रुप ने मारा है तो इसने उस ग्रुप के एक एक फर्द को ना सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों को बुरी तरह जला देता था। ये बंदा इस हद तक खतरनाक और बेरहम बन चुका था कि इसके अपने साथी भी इससे खौफ खाते थे। इवन इस बंदे की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि पंजाब के गवर्नर और वजीर आला को भी इसके बारे में बताया। खैर हुकूमत ने इसे पकड़ने के ऑर्डर जारी कर दिए लेकिन किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं थी कि इसे गिरफ्तार कर सके। आखिरकार पुलिस ने इसके ही एक साथी को अपने साथ मिलाया और अफजल को धोखा देकर इसे कत्ल करने का प्लान बनाया। सब जानते थे कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इसलिए खतरनाक लोग थे। अफजल के खाने में जहर मिला दिया जिसे खाकर ये मौत के घाट उतर गया। रियली अनबिलीवेबल है। जहर खा के मरा साबिर जट। दोस्तों साबिर का ताल्लुक गुजरांवाला से था। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखता था और शुरू से ही पावर के नशे में मगन था। एक दफा इसकी पार्टी के अगेंस्ट एक और बदमाश इलेक्शन में खड़ा हो गया तो साबिर की इसके साथ दुश्मनी शुरू हो गई। सिर्फ जिद में आकर साबिर ने उस ग्रुप के एक डेरे पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया और ना सिर्फ इनका पूरा डेरा तबाह कर दिया बल्कि इस हमले में 8 लोग भी कत्ल हो गए। इस दुश्मनी में साबिर ने ऑलमोस्ट 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये बंदा कोई आम गुंडा नहीं था बल्कि ये गुजरांवाला के बड़े बड़े बिजनेसमैन से भत्ता भी वसूल करता था। लोग इससे इतना डरते थे खतरनाक दुश्मनी है रकम इसे फौरन ही अदा कर देते। एक दफा गुजरांवाला के एक सिनेमा ओनर ने इसे भत्ता देने से इनकार कर दिया था। इस पर साबर को इतना गुस्सा आ गया कि इसने उस बंदे की पूरी सिनेमा बिल्डिंग को ही रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर दिया। बेसिकली ये अपनी मलकियत समझता था। साबर पर पंजाब पुलिस में कत्ल अगवा और तबाह के 125 केसेस दर्ज थे लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि इसे अरेस्ट कर पाती। लेकिन साबर का सवाल उस वक्त शुरू हुआ जब इसने गरूर में आकर एक पुलिस वाले को ही कत्ल करने की कोशिश की। ये अपने ग्रुप के साथ उस ऑफिसर को कत्ल करने के लिए निकला हुआ था तो किसी ने पुलिस को मुखबरी कर दी। पुलिस फोर्स ने साबर और इसके साथियों को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो साबर और इसके साथी पुलिस पर जवाबी फायरिंग करते रहे पर आखिर इनके पास असला खत्म हो गया और साबर ने घुटने टेक दिए। पुलिस वाले जानते थे कि अगर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो ये सोर्स का इस्तेमाल करके जेल से बाहर आ जाएगा और इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सो इसलिए पुलिस ने इसे पहले गिरफ्तार किया और फिर इसे इसके साथियों समेत गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एनीवे जो भी हो बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। वाह क्या वीडियो थी। और जो स्टार्टिंग के दो नाम आए थे मक्खी और हाँ भोला बदमाश वो तो बहुत ही फनी नाम था। लाइक मेरे को ऐसे था कि भोला भी है फिर बदमाश भी सेम टाइम में कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मोस्टली यही था कि पहले सब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे 2-3 लोगों के लेकिन फिर वही है किसी की दुकान तोड़ी गई तो किसी पैसे मतलब कि किसी के दोस्तों को मारा गया तो इस वजह से वो ऐसे हो गए और फिर उनमें वो क्रिमिनल आ गया। किसी ने तो रॉकेट लॉन्च कर दिए मतलब कि वो इतना फनी था ना मतलब
कैसे, और मतलब कि और लास्ट वाला जो था कि जिसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो पुलिस को भी मारने के लिए चल पड़ा था, लेकिन उस टाइम लेकिन वो खुद ही पकड़ा गया, वो भी हम लोगों ने देखा। तो कमाल की वीडियो थी ये। बस यही होप है कि आई होप ये जो भी जितने भी लोग थे वो पकड़े गए हो, और अब पाकिस्तान में इनका राज ना ही हो तो अच्छा होगा। तो मुझे तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग। नहीं, सारे के सारे ही मारे जा चुके हैं एनकाउंटर में, पर जो वो लास्ट वाला था वो बंदा कैसा था, लेकिन उसको लड़ाई हुई है तो वो रॉकेट लॉन्चर लेके चला गया। लोग गन लेके जाते हैं, वो रॉकेट लॉन्चर लेके घर पहुंच गया और मार दिया उसके वहां पे। और फिर वो पहला हमने देखा मक्खी करके, उसको भाई तो पहले अपना नाम सुधारना चाहिए था जैसे ही वो इस काम में आया था। पर उसके बाद उसको पहली गोली, मतलब पहली बार इसकी कोई दुश्मनी हुई तो 22 लोगों को मार दिया। अलग ही इतना गुस्सापन कहाँ से आता है इनके अंदर। और फिर उसके बाद भोला बदमाश, क्या तो नाम उसका भी नाम, या क्या भोला हो सकता है या तो बदमाश हो सकता है, ये बंदा दोनों ही था। और फिर जो हमने वो जो मिठाई वाला देखा, वो बंदे को एक बार गुस्सा आ गया, फिर उसने सबको मार दिया, जिस जिसने उसके भाई को मारा या उसको परेशान किया, उसने उसको सबसे बदला लेके फिर खुद मार गया था। उसको मैं कहूँगा वो बदमाश कम था, वो एक रिवेंज वाला आदमी ज़्यादा था। तो यार एक कमाल की पूरी वीडियो थी। तो आप लोग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।